हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7B स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 7B आप में कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45। ये स्टेटमेंट है। आपको इसकी क्या बनानी है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल, यही आपका चैप्टर का नाम है। तो हम उसको सोल्व करके आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन इसका। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है नंबर, उसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर को एक्स मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखे हैं, ट्वाइस ए नंबर, यानी कि नंबर क्या क्या किया मैंने, ट्वाइस। एक्स का क्या कर लिया मैंने, ट्वाइस कर लिया, यानी कि डबल कर लिया, कर दिया। ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7, डिक्रीज यानी कि वो घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यानी डिक्रीज यानी क्या हो गया, माइनस 7, कम हो रहा है कितना, 7/7। गिव्स 45, यानी जो इसका आंसर क्या दे रहा है, वो 45 दे रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाते हैं, जो आपके पास इक्वेशन दी है, मतलब जो स्टेटमेंट दी है, बस वैसे ही लिखना है। देखो, जो नंबर फाइंड करना है, उसको मैं क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब ट्वाइस करना है नंबर का, तो एक्स माना था नंबर, उसका क्या कर दिया मैंने, ट्वाइस कर दिया। वैन अब क्या करना है मुझे, डिक्रीज करना है, तो क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, यानी कि डिक्रीज कर दिया 7। गिव्स 45, तो आंसर कितना है मेरा, 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x किसके इक्वल होगा, 45 माइनस का, तो यहाँ की जगह पास प्लस के 7। 7/5 कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 52। तो x वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 52 डिवाइड बाई 2। क्यों, मल्टीप्लाई में था, यहाँ की जगह मेरे पास डिवाइड में कितना आ गया, 26। तो x वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 26। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव्स 44, यानी कि क्या करना है, आपके सबसे पहले आपका स्टेटमेंट दी हुई है, इन नंबर का क्या करना है, थ्राइस यानी कि 3 मल्टीप्लाई करना है। व्हेन इंक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना, इंक्रीज का मतलब ज़्यादा होना, बढ़ना, बढ़ रहा है कितना, 5। तो वो गिफ्ट यानी कि वो दे रहा है कितना, 44। आंसर कितना है मेरा, 44। तो ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे हम, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। लेट द रिक्वायर्ड नंबर कितना मान लिया मैंने, एक्स, कितना मान लिया मैंने, एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है मेरे पास, थ्राइस करना है मुझे। थ्राइस का मतलब है 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 3x हो गया। ठीक है, ये नंबर का हो गया। व्हेन इंक्रीज यानी कि प्लस हो रहा है कितना, 5 मैंने इंक्रीज कर दिया। गिव्स यानी कि आंसर आ रहा है, इक्वल में आ रहा है मेरा कितना, 44। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करो, 3x इक्वल 44 माइनस 5, कितना हो गया, 44 में से 5, 39। x वाली क्या हो गया मेरे पास, 39 डिवाइड बाय 3, यानी कि 13, या x वाली क्या हो गया मेरे पास, 13 आ गई। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर था। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, क्या कर रखा है, 4 एडिट टू ट्वाइस ए नंबर यील्ड्स 26/5। देखो क्या होता है, एक नंबर है। ठीक है, यानी कि एक नंबर है, कैसा नंबर है वो, फ्रैक्शन का नंबर है। कैसा नंबर है वो, फ्रैक्शन का नंबर है। आपको क्या करना है, आपको नंबर बताना है। ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन में क्या कर दिया मैंने,
फोर ऐड करिया बेटा जी, मैंने क्या कर दिया, मैंने फोर ऐड कर दिया यानी कि प्लस कर दिया। फोर किस में किया ये प्लस, फोर ट्वाइस, किसका पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, ट्वाइस करना पड़ेगा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड नंबर एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है, एक्स क्या किया मैंने ट्वाइस, यानी कि क्या किया मेरे पास ट्वाइस कर दिया, टू एक्स, उसमें क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया फोर, प्लस फोर क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, यील्ड, यील्ड का मतलब बनना, बनाता है यानी जो आखिरी में जो रिजल्ट होता है, जो हम प्रोसेस करते हैं, जो लास्ट में जो आंसर होता है उसको बोलते हैं हम यील्ड बोलते हैं, ठीक है, जो आखिरी में बनता है। तो क्या बना आखिरी में मेरा 26/5, तो क्या बन गया मेरे पास 26/5 मेरा क्या है रिजल्ट, ठीक है। आई बस में अब इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, तो 2x किसी के लिए हो गया 26/5 माइनस के 4, प्लस के 4 है, क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस के 4, इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास माइन 5 एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा 26 माइनस का, तो 5 4 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2x किसके इक्वल हो गया 26 में से 20 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 6/5, तो एक्स वाली क्या आ गया मेरे पास 6/5 मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 3/5, तो एक्स वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 3/5, यही आपका क्या है फ्रैक्शन है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। आइए बात में आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, ये क्या है हाफ है, ठीक है, यानी कि एक नंबर है आपके पास वो ऐड कर रखा, ऐड कर रखा यानी कि क्या कर रखा, वो प्लस कर रखा है, किस में कर रखा है इट्स हाफ यानी कि खुद के हाफ में, ठीक है, खुद के हाफ में ऐड कर रखा है और गिव्स यानी कि आंसर कितना दे रहा है मेरे पास 72, तो नंबर फाइंड करना है, तो वैसे ही करेंगे हम सॉल्यूशन, लेट रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना मान लिया मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपके पास, एक्स में क्या ऐड कर दिया इट्स हाफ यानी कि इसका खुद का हाफ ऐड कर दिया, यानी एक्स में क्या कर दिया मैंने एक्स बाई टू ऐड कर दिया, ये 72 आंसर कितना है मेरे पास 72 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना है मेरे पास 2, क्या आएगा 2x प्लस x कितना आएगा 72 के इक्वल है 2x प्लस x 3x डिवाइड बाई 2 किसके लगेगा 72 के, 3/2 है वहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो गया किसके 24 पे, 24 3 जो होते हैं ना 72, तो 24 2 जो कितना हो गया मेरे पास 48, ठीक है, तो x वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 48 आपका आंसर, ठीक है। आई बस में कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4, अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपके पास, ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3, पिछले वाले में क्या करता उसके खुद के क्या करा था हाफ में ऐड किया था, अब क्या करा वो खुद के ऐड कितना कर रहा है वो 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट, किसके इक्वल आ रहा है 55 के, वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन इसका भी, लेट रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया मेरे पास एक्स, कितना वाले मैंने एक्स, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है एक्स में क्या ऐड कर दिया 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट, किस में एक्स में किसके इक्वल आ रहा है 55 के, ये सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस 2/3 एक्स इजिकल टू 55, इसको आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपके पास,
ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय फोर, किसके द्वारा कर रखा है, फोर के द्वारा मल्टीप्लाई कर रखा है, एक्सीड्स इट्सेल्फ है ना, हाँ इट्सेल्फ बाय 45, वो खुद से कितना है 45 आगे है। फाइंड द नंबर, क्या निकालना आपको, नंबर फाइंड करना है, कैसे करेंगे इसको, देखो वही लेट द रिक्वायर्ड नंबर एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये लिखनी है लाइन आपको, रिक्वायर्ड नंबर एक्स, ठीक है। इसमें तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय फोर, यानी कि वो नंबर है जो एक्स मान लिया, ठीक है, वो क्या है फोर आ गया मेरा, ठीक है, फोर से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दी, व्हेन मल्टीप्लाई बाय फोर एक्सीड्स इट्सेल्फ, वो खुद से कितना आगे चला जाता है 45 नंबर आगे चला जाता है। यानी जैसे ये क्या है x है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 4x के साथ कर दी, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 45 का, क्या है गैप है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना है x, सॉरी 45 है, इसका मतलब इस चक्कर में 4x माइनस x की इक्वल हो गया 45 के, तो 3x किसकी इक्वल हो गया 45 के, तो x की इक्वल हो गया 15 के, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है।